बॉल देव का। ओए और ये देखिए जसन फिर से राकेश हारते हुए। ये जसन है हमारे देव का, देखिए कॉटरेल वाला जसन बनाया है देव ने। अब जो है हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड व्लॉग है, तो इसमें राकेश और देव बच्चस हैं। तो इन दोनों का चैलेंज है कि 6 बॉलों में सबसे ज़्यादा यॉर्कर कौन लगाएगा, तो देखते हैं कौन सा जीतेगा। तो सजेस्ट करो कौन जीतेगा, देव या राकेश। ठीक है, तो देखते हैं 6 बॉल में कौन सबसे ज़्यादा यॉर्कर मारता है। ये हमारी विकेट है, ठीक है, उस स्टंप में बॉल को हिट करना है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ओके नाउ स्टार्ट। तो पहले आ रहे हैं राकेश, देखते हैं। पहली बॉल मिस देव, तो सेकंड देव का फर्स्ट बॉल है, तो देखते हैं। ओह, ये तो बहुत लंबा छक्का जाता है इस बॉल पे अगर होती तो, और बहुत ही लंबा पंजा था। तो दोनों की पहली बॉल पे कुछ नहीं हुआ है। अब राकेश की सेकंड बॉल है, तो राकेश की सेकंड बॉल पे देखते हैं क्या होता है। राकेश चले, नहीं मिस कर गए हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो 2 बॉल 3 बॉल हो चुके हैं टोटल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देव चले हैं, देखो दूसरा बॉल है देव का। यॉर्कर तो नहीं कह सकते, हाँ लो फुल टॉस ज़रूर थी। तो अभी तक अगर देखा जाए तो देव ऊपर चल रहे हैं, राकेश अभी भी लैग कर रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा पीछे या थोड़ा बाहरी बॉल डल रहा है उनका। अभी तक प्रॉपर ही जो एक यॉर्कर लेंथ होता है वो कोई भी हिट नहीं कर पाया है। तो देखते हैं कि कौन यॉर्कर लेंथ हिट कर सकता है। चले राकेश, तीसरा बॉल राकेश का। ये फुल टॉस बॉल फेंक दी है, ये भी बेकार बॉल है इसकी। तो अब देव का जो है थर्ड बॉल आएगा, तो देखते हैं देव क्या करते हैं। देव की थर्ड बॉल, मिस कर गए हैं, लेकिन क्लोज हैं देव, ज़्यादा क्लोज हैं। राकेश अभी भी दूर दूर भागे हुए हैं, तो अभी तक तो कोई से पे बॉल लगी नहीं है। तो 3 बॉल हो चुके हैं, लेकिन तीनों बॉलों में कोई भी हिट नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं राकेश का फोर्थ बॉल है अब, तो फोर्थ बॉल पे देखते हैं क्या करते हैं राकेश। चले राकेश ये, और ये नहीं मिस कर रहे हैं राकेश, बहुत ही मिस कर रहे हैं। इन पे एक यॉर्कर नहीं डल रही है, 4 बॉल हो चुकी हैं, और ये भैंसते बहुत हैं, जिद बहुत करते हैं। तो अभी तक 4 बॉल पे इन पे एक भी यॉर्कर नहीं लगी है। देव नहीं नहीं, देव थोड़ा पास आ रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन राकेश एंगल में कहीं भी नहीं आ रहे हैं अभी। राकेश तो दूर दूर तक एंगल में नहीं है, तो देव के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के। और ये 5वां बॉल आएगा राकेश का, तो 5वां बॉल देखते हैं राकेश क्या करते हैं ये। और ये नहीं मिस कर गए हैं थोड़ा, अभी टारगेट पे हिट करने की धीरे धीरे प्रोसेस में है, अभी भी हिट नहीं हो पा रहा है। और ये देव चले, 5th बॉल है देव की। ओह नहीं, अब ये दूर जाते जा रहे हैं, राकेश पास आते जा रहे हैं। तो 5-5 बॉल हो चुकी हैं, कोई भी अभी तक क्लोज भी नहीं आया है। देव ज़्यादा क्लोज रहे हैं, राकेश दूर दूर भटके हुए हैं अभी भी। तो अब ये राकेश की 6th बॉल होगी, तो देखते हैं। तो राकेश चल दिए वहाँ से, और ये मिस कर गए हैं, मिस कर गए हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं मानी जाएगी। हाँ ये बहुत ही, इनको लगा कि यॉर्कर डल चुके हैं, लेकिन वो बहुत छक्का लगता अगर नॉर्मल बॉल होती तो कोई बैट्समैन। ओ देव, 6-6 बॉल हो चुकी हैं, तो अभी तक 6-6 बॉल हो चुकी हैं, तो इन पे एक भी यॉर्कर नहीं लगी है। तो देखते हैं सेकेंड ओवर स्टार्ट करेंगे आफ्टर 5 मिनट सेशन। तो ये सेकेंड ओवर है राकेश का, पहली बॉल फुल टॉस, बहुत ही बेकार बॉल डाल रही हैं।
फुल टॉस है, फुल टॉस डाल रहे हैं। डेथ ओवर के बॉलर नहीं कह सकते आप इनको, देव। और ये सेकंड की पहली बॉल, ओहो मिस कर चुके हैं ये भी। इनस्विंग डाल रहे हैं, देखो बता रहे हैं इनस्विंग फेंक रहे हैं हम, लेकिन इनस्विंग का कोई मतलब नहीं बनता। अभी यॉर्कर का एपिसोड चल रहा है तो यॉर्कर में देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा यॉर्कर लगाता है। और ये सेकंड बॉल राकेश की, भागे वहाँ से, नहीं मिस कर रहे हैं, बहुत बुरा वाला मिस कर रहे हैं, फ्रेम में ही नहीं है ये तो, फ्रेम और एंगल दोनों में ही नहीं आ रहे नज़र। ओह मिस कर गए हल्का सा यहाँ पे देव, थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं देव राकेश, जबकि फ्रेम में ही नहीं आ रहे हैं। देव थोड़ा बहुत फ्रेम में भी हैं, बट राकेश टोटली आउट ऑफ फॉर्म है और फ्रेम से बाहर ही बाहर है। तो अब देखते हैं, ये राकेश का थर्ड बॉल होगा, तो थर्ड बॉल राकेश, राकेश चले वहाँ से। और ये नो बॉल, ये तो क्लियर नो बॉल फेंक दी हमारे राकेश जी ने, ये इसके लिए प्रसिद्ध भी हैं। और देव 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 देव, और ये सेकंड बॉल, नो, ये आखिरकार देव जीत चुके हैं। और देखिए इनके जश्न, देखिए ये देखिए जश्न, ये देखिए। तो राकेश जैसे कि अभी तक फ्रेम में ही नहीं आए हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम स्टंप को लगाएंगे, तो राकेश अभी भी फ्रेम में नहीं है, तो अभी तक देव जीत रहे हैं। तो अब ये राकेश की थर्ड बॉल होगी और देव उनको हार्ड लक बोल रहे हैं। नो, कुछ नहीं कर सकते राकेश, आप पे यॉर्कर नहीं लग रही है, आप प्रॉपर एक मीडियम पेसर हो और देव एक लेग स्पिनर है। और देव ये तीसरा बॉल मिस कर गए हल्का सा यहाँ से भी, तो अभी तक बहुत ही बुरा चल रहा है राकेश का। तो ज़्यादातर चांसेस देव के बन रहे थे, समीकरण देव के ऊपर थे सारे, तारे सितारे सब देव के चमक रहे हैं। और अब ये फोर्थ बॉल है राकेश का, भागे और फुल टॉस फेंके आज तो राकेश बॉलर भाग रहे हैं और फुल टॉस फेंक रहे हैं, तो ये तो मैच का बिल्कुल सत्यानाश करा देंगे। और देव, ओ वन मोर मिस, तो दोनों का चार चार बॉल हो चुके हैं, लास्ट दो बॉल हैं, देखते हैं अब, देखते हैं लास्ट दो बॉलों पे क्या होता है। तो राकेश हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो एक मिनट राकेश से जाके पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि उन पे यॉर्कर नहीं लग रही है। तो हम ज़रा आज राकेश से बात करके देखते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या होगी, तो देखते हैं। तो पहले आज राकेश से बात करते हैं, फिर देव से बात करेंगे जो कि अभी तक टॉप पे चल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे राकेश से कि वो लास्ट के दो बॉलों पे क्या करना चाहेंगे। तो लास्ट बॉल है आपकी, मैं लास्ट बॉल को क्रॉस सीम डालना चाहूंगा, अभी तक मैं सारी सेम से बॉल डाल रहा था जो कि ना स्विंग हो रहा था, बॉल कंट्रोल ठीक नहीं हो रहा था, तो अभी जो मैं लास्ट बॉल डालने जा रहा हूँ वो मैं क्रॉस सीम बॉल डालने जा रहा हूँ। तो आप जैसे बहुत सारी फुल टॉस डाल रहे हो, उसका क्या कारण है? कारण ये है कि मैं बॉल को स्विंग कराने के चक्कर में ना कि मैं सीम से बॉल डाल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं क्रॉस सीम बॉल डालने जाऊंगा, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। लेकिन अब देखना कि ये वाला बॉल पक्का 100% ये यॉर्कर जाएगा, तो ये देखते हैं इनका। और ये देव है तो जो कि जीत चुके हैं, एक यॉर्कर मार चुके हैं ऑलरेडी, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो जो गलती कर रहे हैं वो सीम से फेंक रहे हैं काफी, और वो गति के लिए जा रहे हैं, वो टप्पे के लिए नहीं जा रही, और मैं टप्पे के लिए जा रहा हूं। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं हमारे राकेश। तो उन्होंने बोला है कि मैं सीम से नहीं, अब की बार क्रॉस सीम से बॉल डालूंगा, तो देखते हैं कि क्या होता है उनका, तो कौन जीतता है। तो अभी तक तो फाइनली देव ही ऊपर है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और देव का जश्न भी आप देख सकते हो, देखने लायक था, जो कि बहुत कम मिलता है। तो अब हमारे राकेश जी, जिन्होंने बोला था कि ये यॉर्कर ही लगेगी, चलो राकेश जी चलो,
क्रॉस सिम बॉल फेंकेंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, मिस कर गए वन मोर। अब ये लास्ट बॉल है देव। ओके तो ये लास्ट बॉल है देव का, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं मिस कर चुके हैं ये भी। तो फाइनली देव वॉन है, देव जीत चुके हैं। तो ये है सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच, जो कि राकेश की बहस पर हुआ है कि मैं एक तीसरा मैच और खेलूँगा। तो राकेश की पहली बॉल है, देखते हैं क्या करते हैं राकेश। ओए ये इन्होंने एक्शन भी चेंज करा लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो राकेश कुल मिला के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परेशान और हो रहे हैं। तो अब देव का ये पहला बॉल तीसरे ओवर का। ओ मिसेस, हल्का सा मिस कर रहे हैं अभी भी, तो टोटली मिस में है, कोई फ्रेम में नहीं है देव भी और अभी फिलहाल तो राकेश भी। तो देखते हैं राकेश क्या करते हैं। अब उनका सेकंड बॉल है, तो राकेश अभी भी लैग कर रहे हैं थोड़ा सा। तो राकेश का ये सेकंड बॉल, अब देखते हैं क्या करते हैं हमारे राकेश। और ये चले राकेश, ओए ये स्लैश का छक्का खा सकते हैं, ये बहुत लंबा छक्का जाता अगर होता तो, स्लैश का लंबा छक्का। सेकंड बॉल देव का, ओए और ये देखिए जसन फिर से राकेश हारते हुए। ये जशन है हमारे देव का, देखिए कॉटरेल वाला जशन बनाया है देव ने। अब जो है अब हम थर्ड बॉल देखेंगे कि क्या होता है थर्ड बॉल पे। तो ऑलरेडी दो मैच हार चुके हैं हमारे राकेश, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कि अगली वो चार बॉल पे क्या दो यॉर्कर हिट कर पाएंगे। चलो जी, राकेश चले वहां से परेशान होते हुए। वन मोर बीटिंग, इनके से इनसे कुछ नहीं हो रहा अभी भी, इनसे यॉर्कर नहीं हिट हो रही है। तो ये ऑलरेडी अब हारने की कगार पे खड़े हुए हैं। अब ये थर्ड बॉल है, ओह हो, और ये मिस कर गए हैं यहाँ पे देव भी फिर से। तो अब देखते हैं कि राकेश की थर्ड बॉल होगी, फोर्थ बॉल होगा सॉरी, तो क्या राकेश बना पाएंगे फोर्थ बॉल को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर ये नहीं, फोर्थ बॉल भी नहीं हुई उनसे, तो फिर वो हारने के पूरे पूरे चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ओ ये हार चुके हैं, टोटली हार चुके हैं, हिम्मत भी हार चुके हैं और मन से भी हार चुके हैं। तो अब क्या करें, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये टोटली मन और तन धन और तीनों चीज़ों से हार चुके हैं, तन मन धन से हर चीज़ से हार चुके हैं। अब ये फोर्थ बॉल है देव का, ओ नो ये मिस कर गए हैं। तो राकेश जी जल्दी करिए। तो अब ये जो होगा हमारा फिफ्थ बॉल है राकेश का, तो देखते हैं राकेश क्या करते हैं फिफ्थ बॉल पे। चले भागे दौड़े थके हारे परेशान, नो बॉल पे नो बॉल डालते हुए, ये जबरदस्ती की बात करते हुए और परेशान होते हुए। अब ये फिफ्थ बॉल है और ये फिफ्थ बॉल देव की मिस है, लास्ट बॉल है राकेश जी आपका, आप परेशान हो और तन मन धन सब हार चुके हो। अब इज्जत रह गई है, इज्जत और मत हार जाना, लास्ट बॉल है कम से कम 18 बॉल में एक और कर तो मार के दिखाओ, आप वरना आपका सिलेक्शन होना बेकार हो जाएगा। और ये सिक्स्थ बॉल राकेश, और ये एक्शन पैक्शन धैक्शन और ढैक्शन, और ये कुछ नहीं हुआ इनसे। अब ये देव की लास्ट बॉल है, तो देखते हैं क्या करते हैं ये। हाँ जी चलो, अब ये लास्ट बॉल है देव की सिक्स्थ बॉल, और ये नहीं मिस कर गए ये।